आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। छतरपुर जिले के बड़ा मलारा में बुंदेली महोत्सव के समापन अवसर पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची, जिन्होंने सबसे पहले मां सरस्वती चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, जिस दौरान मंच पर मौजूदा बाहर के कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। समापन अवसर पर भोलेनाथ की महिमा का कलाकारों द्वारा व्याख्यान किया गया, साथ ही बाहर से आए कलाकारों ने अनेक विधाओं पर अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मुग्ध कर दिया। जानकारी के अनुसार बुंदेली महोत्सव यह आयोजन क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी द्वारा आयोजित किया गया है, पहली बार हुआ है और इस आयोजन को लेकर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने काफ़ी सराहना की, साथ ही विधायक को कार्यक्रम के लिए साधुवाद दिया और कहा कि इस तरह का आयोजन क्षेत्र की परंपरा और खुशहाली के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। आयोजन में खास बात यह रही कि बुंदेली व्यंजन बुंदेली बर्तनों में खिलाए गए, इसके अलावा पुराने राग नृत्य जैसे बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लगातार चलता रहा। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह ने क्षेत्र भर से आए लोगों का आभार व्यक्त किया। वरदान एक्सप्रेस के लिए बला मलहरा से राजाराम साहू की रिपोर्ट। अनाज की, यहाँ के बर्तन की, यहाँ की परंपराओं की जानकारी पूरी दुनिया में बसे हुए बुंदेलखंडियों को आप अगली बार के कार्यक्रम में बुलाइए। पूरे संसार में जो लोग हैं, बाहर देश विदेश में भी जो लोग हैं, आप पहले से तैयारी करिए उनकी और उन लोगों को बुलाइए, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत तरक्की करने वाला है। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, बुंदेलखंड बिहार का हजारीबाग पलामू और उड़ीसा का बोलंगीर कालाहांडी और कोरापुट, ये वो इलाका है जो हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाके माने गए, लेकिन ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन और फिर केन बेतवा, फिर यहाँ पर हीरे की खदानें मिलना, यहाँ की ऑर्गेनिक खेती, यहाँ की जमीन और इसराइल की जमीन एक जैसी है, और इसका परिणाम ये निकलना है जो ऑर्गेनिक खेती हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, और आज जैविक खेती में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में टॉप पे आ गया है। आप देखिएगा, परंपराएं हैं जो हमारे खेलकूद हैं, जो हमारे व्यंजन हैं, ये सब हमारे जो नई पीढ़ी है दीदी, ये सब भूला जा रहे है ना, बहुत सी चीजन को अब ज्ञान नहीं है। हमारे नए लड़का वाला नो बुंदेलखंडी की बोली तो जे बोलते ही नहीं है, ये अंग्रेजी पढ़न लगे अंग्रेजी स्कूलन में तो बुंदेलखंडी बोले में ना शर्म लगत। बम्बई तर पे जाते हैं, परंतु बम्बई के लोग लाने काम करें तो निश्चित रूप से जो हमारा जो पिछड़ो बुंदेलखंड बहुत जल्दी आगे बढ़े। इसमें बहुत धन संपदा है, उसको हमें उपयोग करने की ज़रूरत है। धीमे धीमे अब हमारा बुंदेलखंड अच्छो बुंदेलखंड बन रहा हो, और निश्चित रूप से सबके सहयोग से जो कार्यक्रम जोन है वो यही प्रकार से आगे बढ़े। आप सब पत्रकार साथियों ने जो पूरी 5 दिना तक पूरे देश और दुनिया हम दिखाओ है, हम आप सभी को बहुत ही बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रयास है और इससे बुंदेलखंड की शान, बुंदेलखंड की संस्कृति की एक बहुत सुंदर झलक हमारे प्रद्युम्न सिंह जी मुन्ना ने, जो कि यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं बड़ा मलारा विधानसभा के, उन्होंने दिखाई है, बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाया है और इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है। अपने अतीत के बारे में जानकारी होने से वर्तमान सुधरता है और भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है।